लाइन में कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी डीजीपी से नाराज हो गए। दीप प्रज्वलित करते समय डीजीपी अशोक कुमार ने गणेश जोशी के हाथ से मोमबत्ती छीनकर सीएम धामी की पत्नी को पकड़ा दिया। कार्यक्रम से अधिकारियों से नाराज होकर गणेश जोशी निकल गए। पंकज हमारे साथ मौजूद है। पंकज, डीजीपी से नाराज दिखे हैं गणेश जोशी, क्यों पारा चढ़ गया उनका? देखिए, बड़ा हंगामा हुआ जब जन्माष्टमी का कार्यक्रम था पुलिस लाइन में, क्योंकि प्रोटोकॉल अगर कहा जाए तो प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर मोमबत्ती जलाने का या फिर शुभारंभ करने का कोई कार्यक्रम होता है तो मुख्यमंत्री के बाद कैबिनेट मंत्री का होता है। लेकिन जब मुख्यमंत्री ने गणेश जोशी के हाथ में मोमबत्ती दे दी थी, उसके बाद एकाएक डीजीपी ने वहां उनके हाथ से मोमबत्ती छीनी और उसके बाद जो है राज्यपाल की पत्नी को दे दिया। जब राज्यपाल की पत्नी ने गणेश जोशी को दिया, तब भी उनसे उनके हाथ से लेकर सीएम की पत्नी को दे दिया गया, तो उससे बेहद नाराज हुए गणेश जोशी और उन्होंने इस बात को लेकर जमकर मंच से ही खरी खोटी डीजीपी को सुनाई और उसके बाद उस कार्यक्रम से चले गए। तो साफ तौर पर है, अधिकारियों को थोड़ा ये भी देखना होता है कि क्या प्रोटोकॉल है। हो सकता है कि उन्हें ये लगा हो कि मुख्यमंत्री की पत्नी या फिर राज्यपाल की पत्नी का प्रोटोकॉल मंत्री से बड़ा हो, लेकिन मंत्री इसको ये नागवार गुजरा और उन्होंने सीधे तौर पर इस मामले में डीजीपी को फटकार मन से ही लगा दी थी। बिल्कुल, लेकिन संदेश क्या जाता है पंकज? ऐसे मामलों को अक्सर देखा जाता है जब मन से इस तरह के मामले सामने आते हैं, ऐसे में जनता में भी कहीं ना कहीं एक अलग संदेश जाता है पंकज। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा और ऐसा लगता है कि अधिकारी जो है वो बेलगाम है और मंत्रियों का जिस तरीके से या फिर सरकार के जो लोग हैं उनका अपने अधिकारियों पर बस नहीं है कि वो मंच पर ही मंत्री के साथ इस तरीके की स्थिति वो कर ले। लेकिन उसके बाद जो मंत्री ने भी किया वो भी बहुत अच्छा नहीं था। उन्होंने मंच से कुछ ऐसी बातें कही जो सार्वजनिक उसमें नहीं कहना चाहिए था और उनके द्वारा डीजीपी को जमकर खरी खोटी सुनाई गई जो एक अशोभनीय लगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दोनों इस मामले में कहीं ना कहीं उन दोनों पर ही सवाल खड़े होते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक धार्मिक कार्यक्रम था। पंकज, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।